न किता न इंतजार, मुफ्त आटे का हसूल इंतहाई आसान। सेंटर में आए और पूरी आटा लेकर वापस चले जाएं। जुनूबी पंजाब में आटा तकसीम सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम। अमला आटा लेने के लिए आने वाले अहले अफराद का मुंतजर, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और दीगर इंतजामी ऑफिसर्स भी मुतहरे। मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे, इंतजाम का जायजा लिया। शहरियों ने बासानी आटा मिलने पर काविशों को खूब सराहा। हालिया बारिशों से लुंडन में गंदम की फसल मुतासर, आखिरी मराहल में गंदम गिरने से काश्तकार परेशान। फी एकड़ 10 मंथ तक पैदावार में कमी का इम्कान, हुकूमत हम छोटे किसानों को रिलीफ फराहम करें, काश्तकार की अपील। डीजीखान डिवीजन में 7,03,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी, 20 फीसद तक बार दाना तकसीम किया जा चुका। राजनपुर में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। उधर जहानिया में महकमे खुराक के जेर एहतमाम गंदम खरीदारी मुहिम शुरू। बहावलनगर में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी, काश्तकार गंदम औने पौने दामों फरोख करने पर मजबूर। मियांवाली में महंगाई का दांत थमने वाला तूफान, चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा, 120 रुपए फी किलो में फरोख। दही इलाकों में चीनी 125 रुपए की किलो हो गई। शहरियों का हुकाम बाला से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। मुल्क में बढ़ती महंगाई हर शोबे को मुतासर करने लगी। मुल्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कीमतों को भी पर लग गए। एक माह में कीमतें 20 फीसद बढ़ गईं। 150 में मिलने वाला एलईडी बल्ब 220 रुपए का हो गया। कीमतें बढ़ने से सेल में कमी, दुकानदार परेशान। महंगाई से दुलफितर की खुशियां अमवान पड़ गईं। मुल्तान में जूतों कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरीदारी के लिए बाजार का रुख करने वाले शहरी रेट सुनकर परेशान। उधर भक्कर में कपड़ों जूतों समेत दीगर अशिया की खरीदारी शुरू। मौके का फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने भी रेट बढ़ा दिए। ईद पर नए कपड़े पहनना सबकी ख्वाहिश, कपड़े खरीद तो लिए मगर सिलवाए कैसे जाएं? टेलर्स ने नो बुकिंग के बोर्ड आवेजा कर दिए। टेलर्स का कहना है जो काम पकड़ चुके उसे मुकम्मल करने की कोशिश है, मजीद कपड़े लेने से माजरत है। मसीह बरादरी का मजहबी त्यौहार ईस्टर कल होगा। तनख्वाह ना मिलने के खिलाफ चिश्तिया में अमला सफाई सराफा एहतजाज। सुबह हमारी ईद है, अभी तक बच्चों के लिए खरीदारी नहीं की, हमारे साथ हर साल ऐसे ही होता है। मुजाहिमी ने तनख्वाह की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। मुल्तान करोड़ सूरज मियानी आवाम के लिए बन गई परेशानी। 6 माह गुजर गए, ठेकेदार पत्थर डालकर गायब। उड़ती धूल राहगीरों दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब। कोई गाहक उधर का रुख नहीं करता, कारोबार तबाह। अहले इलाका ने रोड की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। मुल्तान के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम, मुतादित वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। पुल शिवाला चौक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से बंद। शिकायत पर कोई कान धरने को तैयार नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल की अपील कर दी। हासिलपुर के बाजारों में तजावजात की भरमार, गुजरना मुहाल। दुकानदारों ने सामान सड़कों पर सजा लिया, मुश्किलात में इजाफा। रास्ता न मिलने पर लड़ाई झगड़े मामूल। इंतजामिया तजावजात माफिया के सामने बेबस, शहरियों की तरफ से नोटिस लेने की अपील। डीएचक्यू अस्पताल लैया में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के माबैन तनाजों का मामला। सीईओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में सुलह करा दी। अस्पताल के लिए वाकई अच्छा नहीं, मगर फरीकैन के सुलह से मस्बत पैगाम गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज की गुफ्तगू। जालसाजी से मुस्तकीन के हक पर डाका जनी, मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड आंटा सेंटर से जालसाज गिरफ्तार। मुबैना तौर पर बगैर तारीख और साइन के टोकन भी बरामद। 6,000 रुपए और 9 शनाख्ती कार्ड भी पकड़े गए। बोगस चेक देने के मुकदमे में मुल्जिम को 3 साल कैद की सजा।
मुल्तान अदालत ने मुलजिम लुकमान को 3 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद लुकमान के खिलाफ 2019 को मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम ने 30 लाख रुपए की रकम वसूल की, चेक मुकर्रर तारीख पर कैश नहीं हो सका, इस पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। गवर्नर पंजाब का एजाजी कौंसल जनरल श्रीलंका से टेलीफोनिक राबिता। कार्निया के 5 ग्लोब बीवीएच को मुहैया करने पर शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता माह गवर्नर हाउस में मुफामती याददाश्त पर दस्तखत हुए थे। मुल्तान में जमात इस्लामी अवामी खिदमत के लिए पेश मुस्तकीन में मरहला वार राशन की तकसीम जारी। जिली अमीर जमात इस्लामी सफदर हाशमी की रोही से गुफ्तगू, कहा अवाम की दी हुई अमानतें जरूरतमंद तक पहुँचा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा अली असगर गरमानी के हाथ 3 साल से लंगर खाना जारी। लैया और कोट सुल्तान में लंगर खाने कायम। शहरियों के लिए अफतारी का भी बेहतरीन इंतजाम, रोजाना 1500 से ज्यादा अफतारी करवाई जाती है। लंगर खानों पर तालिबे इल्म, दिहाड़ीदार और गरीब अफराद अफतारी करते हैं। जलालपुर पीरवाला में पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ राइट की जानिब से मुफ्त राशन तकसीम तकरीब। रहनुमा पीपल्स पार्टी और मेंबर कौमी असेंबली अली मूसा गिलानी और साबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात और बराइज की शिकर 3500 मुस्तकीन घरानों में राशन तकसीम किया। बहुत जल्द महंगाई पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, रहनुमा पीपल्स पार्टी का अवामी इज्तमाई से खिताब। कमिश्नर डीजी खान की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। साइलिन के मसाइल सुनने के बाद फौरी अहकाम। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने हर दरख्वास्त पर टाइमलाइन मुकर्रर की। दादरसी ना करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस ऑफिसर्स की हौसला अफजाई। इंचार्ज CIA खानेवाल शबान गोराया को सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा गया। जवान गुराया ने बतौर SHO दर्जनों वारदातों में मुलविस मुलजिमों को गिरफ्तार किया। दफ्तरी निजाम में कागज और कलम को अलविदा कहने का वक्त आन पहुंचा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के निजाम को पेपरलेस बनाने की तरफ अहम पेशरफ। ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बारे ट्रेनिंग वर्कशॉप। तमाम महकमों में ई फाइलिंग सिस्टम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। फोकल पर्सन नैयर मुस्तफा की रोही से खसूसी गुफ्तगू। अर्जा निरखों पर अशिया की फराहमी के लिए लैया में मॉडल बाजार। शहरियों को चीनी घी सब्जी रियायती कीमतों पर दस्तियाब। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुबारक अली रजा ने बाजार का दौरा किया। अशिया का मियार और कीमत चेक की। इंचार्ज की AC को ब्रीफिंग। कमिश्नर मुल्तान की जेर सदारत आटा स्कीम बारे जायजा जा। एक रोज में 2,12,184 थैले तकसीम। अब तक 45,13,48 आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। अहल अफराद को आटे की फराहमी तक जानबशानी से काम करने की हिदायत। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी जारी। रश कम होने पर बहावलपुर में 2 आटा पॉइंट बंद। कैंट हाई स्कूल और ईदगाह में कॉल सेंटर्स बंद किए गए। अब तक जिला भर में 15 लाख से ज्यादा मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। हुकूमती पंजाब आवाम को रिलीफ देने के लिए प्रजम। खानेवाल में 7 पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी। अब तक 10,75,000 से ज्यादा मुफ्त आटे के बैग तकसीम हो चुके। डिप्टी कमिश्नर का दौरा, काउंटर्स पर जाकर मालूमात हासिल की। DC खानेवाल मैट्रिक इम्तहानात की शफाफियत के लिए मुतहरे। गवर्नमेंट बॉयज मॉडल स्कूल में कायम इम्तहानी सेंटर का दौरा, हिदायत जारी। सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद चौहान का दौरा हारून आबाद। बारदाना की तकसीम के अमल का जायजा। सेक्रेटरी माहौलियात ने मुफ्त सरकारी आटा पॉइंट्स का भी दौरा किया। कहना था PR सेंटर पर बारदाना की तकसीम शिफाफ तरीके से की जा रही है। DC बहावल नगर का कहना था फ्री आटा पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजाम किए हैं। पुलिस शहरियों की खिदमत में पेश है। डिप्टी कमिश्नर हासिपुर जहीर अनवर जप्पा की जेर सदारत दानिश स्कूल गवर्निंग बॉडी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर को दानिश स्कूल के निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों से आगाह किया गया।
तलबा तालिबात को आईटी के शोबे में माहिर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा का खिताब, पौधा लगाकर मौसम बहारा शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। किसानों को कपास के बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहीमयान खान इकरार हुसैन कहते हैं, बेहतर पैदावार के लिए मुतवाजन खादों का इस्तेमाल किया जाए। कपास उगाने के 25 दिन बाद छदराई करने की हिदायत। किसानों को रवा साल बेहतर पैदावार की नवीद सुना दी। और सहोनी फोर्सेस की तरफ से मस्जिद अक्सा की बेहुर्मती, सादिकाबाद में जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। नमाजियों पर वहशियाना तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत। क़िबला अव्वल की बेहुर्मती से आलम इस्लाम की दिल आजारी हुई। अक़वामे मुत्तहिदा से ज़ुल्म पर नोटिस लेने की अपील।